जय श्री महाकाल दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आप लोगों को एक इस्लामिक जो है साधना है। तो इस्लामिक जो हमारे भाई लोग हैं, ये साधना उनके लिए है। हिंदू लोग भी कर सकते हैं, जो हिंदू भाई लोग हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को जो है मैं आ दूंगा, ये इस्लामिक वशीकरण मंत्र है। ये भी बहुत तीव्र वशीकरण मंत्र है। इसके पहले भी मैंने जो वशीकरण डाला था वो साबर मंत्र था, लेकिन इस बार जो मैंने दिया है ये जो कुरान पाक से लिया गया है इस्लामिक मंत्र, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। अगर दोस्तों आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा जो अगला वीडियो आएगा आपको हो सकता है आपके काम की चीज़ उसमें हो। तो दोस्तों, अगर आप हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना और दूसरों को शेयर भी करना। दोस्तों जो हमारे साधक बंधु हैं उनको इस चीज़ का लाभ उठाना चाहिए, और जो करना चाहते हैं उनको भी बताया जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों मैं विधि बता देता हूँ इसका। जो है विधि 21 दिन का है। इस 21 दिन आपको करना है, 21 दिन करो या तो 11 दिन करो। इसका असर जो है आपको 21 दिन या 11 दिन में दिखाई देने लगता है, ठीक है। इसका दुरुपयोग दोस्तों बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और साधना काल में मांस मच्छी लहसुन प्याज दूध दही घी आदि वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना है दोस्तों। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर साधना करनी है, पवित्र और विशेष ध्यान रखना है। लंबी धोती या स्वस्थ वस्त्र धारण करें, अरहना की तरह बांधकर साधना करनी है। विशेष बची हुई धोती को कपड़े को शरीर पर लपेटकर सिर पर ढक लेना चाहिए। एक ही बड़े कपड़े में पूरा शरीर ढका हुआ स्त्री जैसी, जैसे हिंदू में स्त्री पहनती है ना साड़ियाँ, ऐसे ही पहनना है आपको। और मंत्र की साधना जो रात्रि में करनी है, जब नमाज आदि का समय समाप्त हो जाता है तब करनी है साधना। पहले मुसलमानी विधि से वज्जू कर लें, हो सके तो नहा लें। जब आप हिंदू विधि से कर सकते हैं, मुसलमानी विधि से भी कर सकते हैं। जो हिंदू भाई हैं माला जो है अपनी तरफ घुमाते हैं, मुसलमान भाई लोग जो है माला को मतलब बाहर की तरफ करते हैं। तो दोस्तों आपको प्रतिदिन 1100 बार जाप करना है। यदि 11 दिन से पहले साध्य आ जाए, मतलब जिसको वशीकरण करना है, तो आपको किसी प्रकार का क्रोध नहीं करना है। कोई भी बहाना बनाकर उससे पास हट जाए, उससे बातचीत ना करें। 11 दिन में कार्य ना होने पर 21 दिन तक मंत्र को जाप करना है। ये अब जैसे फलानी, एक फलानी इसमें जगह आपको दिएंगे मंत्र में, जो है फलानी रहेगा। फलानी की जगह पे आपको जो साध्य मतलब जो जिसको आपको मतलब वशीकरण करना है, वहां पे उसका नाम देना है। तो जैसे आपको जब वशीकरण करना है फलानी की जगह पे, आपको उसका नाम देना है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक तीव्र और मुसलमानी साधना है। और जो हमारे मुसलमान भाई लोग हैं अच्छे से साधना जानते हैं। दोस्तों कोई भी साधना करने से पहले आप अपने शरीर की सुरक्षा कर लें, जो है शरीर का सुरक्षा कवच बना लें, फिर बाद में साधना शुरू करें, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और किसी गुरु के जो रहे उसके देख रेख में साधना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगी। तो दोस्तों मैं आपको जो है वशीकरण जो है मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। वशीकरण मंत्र ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं डिस्प्ले पे नहीं देऊँगा, क्योंकि डिस्प्ले पे मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये एक जो है प्रयोग किया हुआ साधना है। तो फिर इसको आप जो है हम इसको पढ़ के बता देते हैं। अग्नि शनि माल खानदानी इत्री अम्मा हवा यूसुफ जुलेखानी फलानी मुझ पे हो दीवानी बरहक अब्दुल कादर जिल्लानी। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे जो फलानी फलानी मुझ पे हो दीवानी, तो फलानी की जगह पे आप जिसका नाम लेना है, जैसे कोई भी है, जैसे समझ लो जोया खान। तो आपको कैसे इसको पढ़ना है मंत्र, आगिस्तानी माल खानदानी
इत्री अम्मा हवा यूसुफ जिल्लानी, जोया मुझ पे हो दीवानी फरहक अब्दुल कादर जिल्लानी। तो दोस्तों ये हुआ मंत्र, इस्लामिक जो मंत्र है। तो जो फलानी है इस जगह पे, आपको उसका नाम लिखना है, जो भी आप जिसको भी वशीकरण करना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पे लिख के आपको यह साधना जो है करनी है। और दोस्तों आप एक जब ये साधना करें तो आप पश्चिम की तरफ जो है साधना करनी है मुख करके, और एक दिया जो है जला लेना है, धूप दीप ये सब। दोस्तों आप तो अच्छी तरह से पता है साधना करते वक्त ये सब तो आपको खुशबूदार फैलाना ही है। तो दोस्तों वापस एक बार मैं आपको ये मंत्र बताना चाहूँगा, ध्यान से आप लोग मंत्र को लिख लें, आराम से मैं बोलूँगा। आगिस्तानी माल खानदानी, इन्नी अम्मा हवा यूसुफ जुल जुल खयानी,